हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ नारियल के लड्डू। लास्ट ईयर भी इसी दिवाली पे मैंने ये लड्डू बनाए थे और इसका मैंने रेसिपी पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम रीनूजा @2013 पे। आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं अगर आपको रेसिपी चाहिए तो। बाकी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी। इतना टेस्टी बना था लास्ट टाइम भी ये लड्डू, तो मुझे ऐसा लग रहा था काश मुझे इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, और आज वो टाइम आ गया है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए इसके नारियल के लड्डू, और मैं आपको ये दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए, ये अंदर से जूसी भी है और बहुत बढ़िया सेट हो गया है, और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही टेस्टी लड्डू है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे नारियल का लड्डू बनाने के लिए मैंने जो कप का यूज़ किया है वो है ये 240 ml का कप, और सारे मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग है, 1/2 cup, 1/4 cup। 2 cup मैंने लिया है डेजिकेटेड कोकोनट, और मैं यही कोकोनट आपको सजेस्ट करूँगी इस लड्डू के लिए, या फिर आप अगर इसकी बर्फ़ी भी बनाते हैं नारियल की बर्फ़ी तो भी आप डेजिकेटेड कोकोनट ही यूज़ करें। जो सूखा वाला खोपरा होता है उसको आप खिस के बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ 2 cup डेजिकेटेड कोकोनट, 1/2 cup मिल्क, मिल्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 cup शुगर चीनी, 1/4 cup मिल्क पाउडर, और 1 tablespoon मैं लूँगी घी, और 1-2 tablespoon हम डालेंगे यहाँ पे मिठाई मेड या फिर मिल्क मेड, अगर आपको जो भी मिले उससे हमारे लड्डू का टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा होगा। तो इसको शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ सबसे पहले हम रखेंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए, उसमें मैं डालूँगी 1 tablespoon घी, और लो फ्लेम पे ही इस नारियल को हम घी में डाल के थोड़ा भून लेंगे। अब भूनने से जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा टेस्ट भी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस 1 tablespoon काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 minutes इसको भून लिया है, और ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना हमारे जो कोकोनट है वो हल्के से कड़क से हो जाएंगे। अब इसमें मैं मिलाऊँगी 1/2 cup मिल्क, और इसमें हम कोकोनट को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे लो ही रखी हुई है, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी 2 tablespoon मिल्क मेड या मिठाई मेड, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आपस में। जो नारियल है वो दूध में और कंडेंस मिल्क में मिक्स होके थोड़ा सा सोख हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सिर्फ 1-2 minutes हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और जो मैंने मिल्क में डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, वो अगर आप ना डालें तो भी आपका लड्डू बन जाएगा, और अगर डालेंगे तो थोड़ा सा लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने डाला है। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, और अगर ना हो तो आप बिना उसके भी ये लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 minutes हो चुके हैं, और मैं अब इसमें ऐड करूँगी चीनी। यहाँ मैंने 1 cup चीनी ली है, और इसको हम इसी तरीके से मिक्स करते हुए इसको मेल्ट करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई ना करें, वरना चीनी जब मेल्ट होगी हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे तो उससे हमारे लड्डू थोड़े से कड़क हो सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आप लो फ्लेम पे ही करें, बहुत जल्दी बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। तो यहाँ 2-3 minutes बाद जब चीनी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगती है तो हमारा ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा गीला गीला लगने लगता है, अगर हम इसको इसी में इस तरीके से बंद कर देंगे
तो ये बहुत ही हाथ में चिपचिपा और गीला सा रहेगा। तो यहाँ मेरी मोटी चीनी थी इसलिए थोड़ा सा और टाइम लगा है, हो सके तो आप थोड़ी बारीक चीनी यूज़ करें। और चीनी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप मिल्क पाउडर, इससे हमारे लड्डू आपस में अच्छे से बंध जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस चीनी का जो पानी है वो इस मिल्क पाउडर से थोड़ा सूख जाएगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मिल्क पाउडर डालने के बाद जो डो है हमारा वो अच्छे से इस तरीके से बंधने लग गया है। तो यहाँ पे अब मैं गैस की फ्लेम करूँगी बंद। और इसमें मिक्स की है मैंने सिर्फ 3 हरी इलायची जिनको मैंने बारीक कूट लिया था, इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मैं रखूंगी फैन के नीचे 5 मिनट की, हल्का सा ठंडा हो जाए हाथ से टच करने लायक, उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। और इस मिश्रण को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि कढ़ाई की गर्माहट से ये नीचे से इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन हो जाए। तो आप इसको एक प्लेट में निकाल लें। 5 मिनट बाद ये देखिए इसको बहुत अच्छे से, आपको जितने साइज़ के लड्डू बनाने हैं इस तरीके से इसकी बॉल्स बनाएं, हाथ में बिल्कुल नहीं चिपकेगा ये। और सूखे नारियल में इसको इस तरीके से थोड़ा सा कोट कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे किसी डब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि इसमें मिल्क मेड है और दूध है, तो बाहर रहने से हो सकता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो सकती है और ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो इस तरीके से अब मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे तो लड्डू बनके तैयार है नारियल के, अब आप भी देर मत लगाइए, बहुत ही टेस्टी लड्डू है ये किसी भी त्यौहार पे बनाने के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।